मंत्री मोहन सिंह यादव कुछ दिनों पहले बिहार में आए थे। बिहार में आकर लालू प्रसाद यादव की राजनीति को धराशायी करना चाहते थे और मोहन सिंह यादव का ये कदम कारगर साबित भी हुआ। नीतीश कुमार ने जिस तरीके से आरजेडी का साथ छोड़ा और एनडीए के साथ आ गए, इसके साथ तो यही देखा जा रहा है कि आरजेडी का खेल बिगाड़ने के लिए ही नीतीश कुमार को फायदा पहुंचाने के लिए मोहन सिंह यादव पटना पहुंचे थे। नमस्कार, मैं नाजमिन खान और आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज। अब जैसे ही नीतीश कुमार एनडीए के साथ आए और 9वीं बार मुख्यमंत्री बने बिहार के, वैसे ही नीतीश कुमार को लेकर कई बयानबाजियों का दौर भी शुरू हो गया। नीतीश कुमार को लेकर कोई यहां पर उनको पलटू राम कहता हुआ नजर आ रहा है और कोई यहां पर कह रहा है कि नीतीश कुमार किसी के सगे नहीं हो सकते हैं। नीतीश कुमार एक ऐसे यहाँ पर नेता के रूप में नजर आते हैं जो अपने फायदे के लिए किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने ही फायदे के लिए उस इस्तेमाल से हट भी सकते हैं, और यही बातें बिहार में देखी गई और कई बार नीतीश कुमार की आलोचना होती हुई नजर आई। अब इसी आलोचना के बीच में कुछ ऐसे भारतीय जनता पार्टी के नेता भी मौजूद हैं जो नीतीश कुमार को सही ठहराते हुए भी नजर आ रहे हैं, जिसमें नाम मोहन सिंह यादव का भी आ जाता है। 3 बार के विधायक हैं और 3 बार के विधायक होने के बाद मुख्यमंत्री की कुर्सी मिल जाती है, या कहें कि बनी बनाई खीर आराम से खाते हुए नजर आते हैं। वो ये कहते हैं कि नीतीश कुमार ने बहुत बढ़िया किया, नीतीश कुमार का ये फैसला बहुत सही है कि वो एनडीए के साथ जुड़ गए। आरजेडी के साथ रहते तो बिहार में अस्तित्व उनका ज़्यादा दिनों तक टिक नहीं पाता। ये बात मोहन सिंह यादव ने कही है कि वो उन्हें शुभकामनाएं देते हैं और नीतीश कुमार के इस कदम की तारीफ करते हुए नजर आते हैं। तो मोहन सिंह यादव के बयान के आधार पर आपकी क्या राय है? क्या वाकई मोहन सिंह यादव ने सही कहा है नीतीश कुमार को लेकर, या वो खुद ही यहाँ पर कुर्सी तो मिल गई है तो भारतीय जनता पार्टी की तारीफ करनी है ऐसा माना जा रहा है? क्या है आपकी राय, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखते रहे SPN9 न्यूज। धन्यवाद।